कहते हैं देखने के लिए तन की आंखों की नहीं मन की आंखों की जरूरत होती है। नैनीताल के एक कैंप में यही हुआ जहां नेत्रहीन लड़कियों के कारनामे देख सब चकित रह गए। ये नजारा है नैनीताल के एक कैंप का जहां नेत्रहीन लड़कियों को ऐसा काम करते देख कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। दृष्टिहीन लड़कियों ने जान की बाजी लगाकर 40 फीट ऊपर एक रस्सी पर पैर रखकर पुल पार कर लिया। इतना ही नहीं, इन लड़कियों ने लकड़ी वाले पुल को भी आसानी से पार कर लिया। इन लड़कियों का न केवल हौसला बढ़ता है पर इन्हें आगे की जिंदगी को फेस करने के लिए बहुत मदद मिलती है इस एक एक्टिविटी से, जहां वो एक एकदम अनोखे अभूतपूर्व एनवायरनमेंट में आती हैं और वहां पे एक एक कदम एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। दरअसल दिल्ली से आई नेत्रहीनों की एक संस्था नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड वुमेन की तरफ से 28 नेत्रहीन बालिकाएं प्रशिक्षण लेने पहुंची हैं। यहां उनको ट्रैकिंग, रिवर क्रॉसिंग, रोप क्लाइंबिंग जैसी कई गतिविधियों में शामिल किया गया। उनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ, शुरू में थोड़ा सा मुझे डर लगा था, मतलब कि जब मैंने फर्स्ट रो पकड़ी भाई मम्मा क्या होगा, बट जब मैं चलती गई नो गॉड का नाम लिया कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। जैसे कि हम लोग अपना हौसला कम कर लेते हैं कि यार हम इतने ऊंची पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे। सो ये तो सारा हुआ शाली मैम के कारण कि उनकी साइड से हम आए और हमने इतना बड़ा एडवेंचर किया और आज हमें पता चला हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं। इस कैंप में विशेष बात यह रही कि इन लड़कियों को उसी रास्ते से गुजारा गया जहां से सामान्य लोग प्रशिक्षण लेते हैं। यह बालिकाएं मन की आंखों से उस काम को अंजाम दे गई जिसे सामान्य लोग भी मुश्किल से कर पाते हैं। समय के लिए नैनीताल से हेमंत रावत।